पवार गैस गोदाम के सामने अंदर चली गोली, पुलिस ने नकारा गैस गोदाम व छात्र ने कहा गोली चली, हम साबित करेंगे गोली चली। टीआरएस कॉलेज के बीकॉम तृतीय वर्ष के छात्र अतुल चौबे के अनुसार वह नए बस स्टैंड के पास से आ रहे थे। पवार गैस गोदाम के सामने दो मोटरसाइकिल में आए 6 लड़कों ने उनके ऊपर फायर किया। वह सामने पवार गैस गोदाम में छिप गया। लड़कों ने वहां भी पहुंचकर उसके ऊपर फायर किया। आइए सुनते हैं छात्र क्या कह रहा है। सर, मैं मतलब आ रहा था सामान नाके से रास्ते पे, मतलब मैं निकल रहा था ऑफिस के लिए जा रहा था, पीछे से मतलब दो गाड़ी आई है, आगे फायर शिवम सिंह ने किया है और दो फायर प्रकाश पी के तिवारी ने किया है। विवाद काहे का है आप लोग? विवाद सर मालूम नहीं मुझे सर, ऐसे कोई थोड़ी भी चलाएगा कुछ। अभी टीआरएस में दो दिन पहले भी मारपीट हुई, जो भी सर झगड़ा हुआ है वो सब मैंने क्लियर कर दिया, उस पर मतलब मेरे कोई बात भी नहीं था। कितने की संख्या में आरोपी थे, काहे से आए थे? सर 6 लोग रहे, दो मोटरसाइकिल थी और तीन तीन बैठे थे। उनके नाम किसी जानते हो? यस सर, शिवम सिंह, प्रकाश पी के तिवारी, वसीम खान। कहाँ घुस गए थे अभी? सर जो ये मतलब एजेंसी है ना, कौन सी? गैस वाली, गैस गोदाम एजेंसी, मैं उसके अंदर गया हूँ। आगे इन्होंने एक फायर मेरे ऊपर रोड में किया है और दो फायर उसके अंदर किया है। वहीं पुलिस किसी भी तरह की गोली चलने की घटना से इंकार कर रही है। बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, इनका ये कहना कि वो मोटरसाइकिल से तीन लोग आए जिसमें पी के प्रकाश तिवारी था, वसीम खान था और शिवम सिंह परिहार, ये तीन लोग थे। इन्होंने रोक कर किसी लड़के के बारे में पूछा लल्ला कहाँ है, इसने बताया कि मुझे जानकारी नहीं है, तो उस बात को लेकर मारपीट करने लगे। उसका ये आरोप है कि उन्होंने हवाई फायर किया गोलियों में, डाल के गोली में डर के भागा, फिर मोटरसाइकिल टकरा गई, गिर गया, पैर में चोट लगी। गोली चलने की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, आसपास के कैमरे देखे गए, वहाँ से कहीं पुष्टि नहीं हो पा रही गोली चलने की। मारपीट का मामला है, 23 तारीख की शाम को शर्मा चौराहे पे भी लड़कों के बीच में मारपीट हुई थी, जिसमें कोई ऋषभ पांडे जो लड़का था उसके साथ मारपीट की गई थी। उसके ग्रुप के ये लड़के थे आरोपी, जो ये इस मामले का अपराधी या तो चौबे उसके साथ ही थे, तो निश्चित तौर पर वो आपस की प्रतिद्वंदिता है। मारपीट को लेकर जो चल रहा है वो चल रहा है, दोनों एंगल से जाँच की जा रही है, मेडिकल कराया गया, मामले की जांच की जा रही है। 323-204-504 का मामला कायम किया। जबकि पवार गैस गोदाम के अंदर बैठा शख्स क्या कह रहा है आप भी सुनिए। उधर अंदर घुस गया पीछे और यहाँ से वो खड़ा होकर के गोली चलाया, मैंने देखा ऐसे खड़ा हुआ तो तब तक उसकी दूसरी गोली मिस हो गई थी, शायद चूल्हे में लगी होगी उसी गोली। कितने की तादाद में थे लड़के जो आए थे? लड़के अब यहाँ तो एक खड़ा था, बाकी चार हमको 5-6 रहे होंगे। उनका आपसी में कुछ विवाद चल रहा था, उसके लिए आया था क्या? अब पता नहीं क्या हुआ, अब जो हमारे पास यहाँ ये भरा हुआ था, जैसे आप लोग खड़े हैं ना, यहाँ तो औरतें खड़ी थी, हम कनेक्शन बना। क्या वो युवक दौड़ कर छिपने हुए, छिपने के लिए आया था यहाँ पे? भाग रहा है, भाग क्या है, बचने के लिए, अपने बचने के लिए दौड़ा है, तो उसने कोई यहाँ चला गोली मारा, वो गोली मारा तो जाकर चूल्हे में लगी, हम खड़े हुए थे तो वो दूसरा एक को चलाया, दूसरा पे चले नहीं। चेहरा खुला था? चेहरा खुला था। क्या नाम है आपका? आपका नाम? आपने सबकी सुनी, अब हमारी सुनिए। युवक पर चली गोली को भले ही पुलिस सिरे से नकार रही है, वहीं हम आपको दिखाते हैं गोली चली कि नहीं, जिसे देखकर आप ही तय करें पवार गैस गोदाम व सड़क पर क्या हुआ। गौर से देखिए एक बार फिर से, देखिए तो देखा आपने गोली चलने की घटना कैसे हुई। हम तो केवल यह कहेंगे छात्र की किस्मत अच्छी थी, पवार गैस गोदाम के अंदर लगे CCTV को देखकर यही लग रहा है। एक तरफ रीवा शहर में प्रभारी मंत्री अपने दौरे में व्यस्त थे, दूसरी तरफ बदमाश बेखौफ होकर छात्र की हत्या के प्रयास में थे। क्या यही कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था है?